इस वक्त पूरी कायनात के अंदर सबसे बड़ी जात हस्ती का नाम अल्लाह है। बोलो क्या, किसका कौन है? अल्लाह। और बाद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी जात किसकी जात है? अल्लाह के बाद किसकी जात है? मुझे देखिएगा, अल्लाह के बाद किसकी जात है? नबी पाक। अल्लाह के बाद नबी पाक की जात है। और सबसे बड़े लीडर का नाम मोहम्मद मुस्तफा। बोलिए ना, कल सब लेके आते हैं आप हदीस पाक समाज पर, वही हदीस की ज्यादा शान। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी जात नबी पाक। और नबी पाक साहिब दौलत अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सबसे बड़े लीडर है। बोलिए फिर बोलो सबसे बड़े। मैं पता क्यों कह रहा हूँ, आपको मेहमान किसी को कड़वी भी लग जाए तो पहले माजरत, क्योंकि मिंबर रसूल पे बैठ के हक बयान करना हमें हमारी नस्लों में शामिल है, खून में शामिल है, हमारी असल में शामिल है, हमारे फराइज में शामिल है। याद रखिए, सियासत अपनी जगह, दीन का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। किस वजह से? एक सियासत के ताल्लुक साथ ताल्लुक है भी, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ जिस तरह हम शामिल करते हैं ना दीन को सियासत के अंदर, उस तरह नहीं। फेसबुक पे लोग कहते हैं जी, जिस तरह आजकल जो ट्रेंड चला हुआ जी, सबसे बड़े लीडर का नाम इमरान खान है। वो बस कर दो, कायनात के अंदर सबसे बड़े लीडर का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। जिसको शक नहीं ना वो बोले, कायनात के अंदर सबसे बड़े लीडर का नाम इमरान खान नहीं, मोहम्मद मुस्तफा है। मोहम्मद मुस्तफा है। खबरदार, जो बंदा फेसबुक पे ये लगाता है इमरान खान से बड़ा लीडर नहीं, और जिन्हें उसको तो कानून का ना पता हो जाए। और मैं कोई सियासी पार्टी से किसी ताल्लुक नहीं रखता, हाँ मेरी पार्टी है तो हुजूर के गुलामों वाली पार्टी है, हुजूर के गुलामों वाली पार्टी, जिसे हुजूर अपने गुलामों में कबूल कर ले वो सबसे सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य है। नून लीग हो जाए, पीपल पार्टी हो जाए, पीटीआई जब हो जाए, ये सब एक तरफ है। कौन समझता है कि अंदर कोई खाता नहीं? नून लीग वाले भी खाते हैं, लगाते भी हैं, पीपल पार्टी भी खाती, सबको पता, सारे खाते हैं। तो आप अपने रिश्तेदारों के अंदर लड़ाई डाल देते हो, भाई बहन दूर होकर बैठ जाते हो ना जी, ना अरे इमरान खान खिलाफ बोले साढ़े खाता में, भाई इमरान खान को इस्लाम है, आप रिश्ते तोड़ रहे हो। मेरे आपने ने फरमाया रिश्ते तोड़ने वाला हम में से नहीं है। तो आप किसके लिए रिश्ते तोड़ रहे हो? बोलो, जिसके पास गाड़ी नहीं, गाड़ी किसी को नहीं बोले, न सरदारी को ले, न नवाज शरीफ को ले, न शहबाज शरीफ को ले, ना नशबाज को ले, ना दूसरा बंदा है जिसको कोई बोलिया नहीं जानता हो, किसे को भी नहीं। तो हम किसके लिए छोड़ रहे हैं दूसरे को? उनके लिए जिनको हमारे नामों का नहीं पता। यहाँ बैठ के मुझे बताएं, कारी साहब आपको, आपका पता है इमरान खान को? नहीं पता। तो आप क्यों नहीं उस हाथ के अंदर अपना हाथ देते हैं जो मदीने बैठ के आज भी आपको जानते हैं? उसके हाथ में हाथ रखो, उसका दामन थाम के रखो, जो आपका यहाँ भी हामी है वहां भी हामी होगा। मेरे आका ने फरमाया, जब कोई गुलाम हुजूर का अल्लाह फरमाता है, कुरान के अंदर फरमाता है, जब कोई मोमिन हुजूर का गुलाम परेशान होता है, मुश्किल में आता है, दिक्कत में आता है, अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर, जब मेरे मोमिन पर परेशानी आती है, मेरा महबूब उसकी परेशानी को देख के परेशान हो जाता है, हो जाता है, उस पर गिरा गुजरती है। तो फिर छोड़ो, फिर साफ कहो, हमारा ताल्लुक इनसे नहीं, हमारा ताल्लुक मदीने वालों के साथ है। एक बंदे ने पोस्ट लगाई, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया, एक बंदे ने पोस्ट लगाई आयुष को, मैं अपने पास लिख के लाया उधर, उसने कहा कि हजरत बिलाल हबशी, एक बंदे ने कमेंट किया जी उससे तो बोला भी नहीं जाता, वो कभी खातम नबीयीन नहीं कह सकता, वो कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी इसी तरह कह सकता, तो उसने कहा उससे तो बोला नहीं जाता, उससे तो अल्फाज सही ना नहीं होते। अब जरा सुनना, एक तरफ पीटीआई नवाज शरीफ सबको रख दो एक तरफ, पहले मेरी बात सुनो, मजहबी बात सुनो, जो हकीकत है वो सुनो, किसी पार्टी को सामने ना रखो, साइड पे कर दो, पहले मेरी सुनो। उसने कहा जी हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनसे भी बोला नहीं जाता था, उनकी भी जुबान पर लुकनत थी, सही अल्फाज अदा नहीं होते थे। तो कोई बात नहीं, उनके पास बड़ा शेर रसूल था, उनकी भी बख्शिश हो गई, वो भी हुजूर के दीवानों में शामिल, इससे भी अल्फाज सही अदा नहीं होते, ये भी हुजूर के गुलामों में शामिल,
और ये भी बहुत बड़ा लीडर है। मैंने कहा झंडे कहाँ पिला रहे अच्छी कहाँ पिला रहे अच्छी पर कहा इमरान खान, तू कहे उससे भी बोला नहीं जाता था, इससे भी बोला नहीं जाता। मैं कल झलिया अगर बिलाल हबशी से सही नहीं बोला जाता था, किसी ने कहा बिलाल से अजान न दिलवाओ, बिलाल ने अजान न दी थी तो सूरज नहीं चला था। क्यों अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे मुस्तफा से कहते अगर बिलाल अजान नहीं देगा तो सूरज भी नहीं देगा। बिलाल के साथ इमरान खान का मुकाबला न करवाओ। बिलाल तो वो है जिसके कलमा पढ़ने पर मेरे मुस्तफा राजी हुए। मैंने कहा उसकी उससे इसलिए नहीं बोला जाता था बिलाल हबशी से कि जब मार पड़ती थी ना बिलाल हबशी को उमैया मारते थे जब तो जुबान दांत के नीचे आ गई, कट गई। किसकी वजह से? इश्क रसूल की वजह से, कलमाए हक की वजह से। उसने जुबान कटवाई कलमाए हक की वजह से, न बोला जाता था तो कलमाए हक की वजह से। और यहाँ तो मामला ही कुछ और है, यहाँ तो मामला ही कुछ और है। जिसको मर्जी बोल दो, मुझे कोई आपसे इशू नहीं, मुझे कोई गिला नहीं, मुझे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन हाँ, जब फेसबुक पर बैठते थे लड़ाई करने के लिए तब बिलाल हबशी को अंदर ना लाया करो। ये वो हस्तियां जिनका नाम लेके मुस्तफा ने कहा था ये भी जन्नती है, ये भी जन्नती है, ये भी जन्नती। इनके साथ कंपेरिजन नहीं करना, बोलो ना इनके साथ कंपेरिजन। हाँ, बिलाल हबशी के साथ कंपेयर नहीं करना किसी को, खबरदार। उनके मामले और हैं, इन्हां दे साईं और वो मामले और हैं, इन्हां दे मामले। ये आज कट्ठे बैठे हैं, आज लड़ते पे ने अगली कुबे से कट्ठे बैठे हो, ऐसी उन्हीं पे लगो, उन्हीं पे लगो। तुझे कोई कहता था यहाँ घसी कुंडा वहाँ घसी, ऐसा कट्ठे हैं अगली कुबे तो आई कि फिर वो आ जाए दादा आ जाए, फिर वो कह के आप कट्ठे हैं। और ये सारा चोर ड्रामा है, इसकी वजह से बहनों को, माँ को, बाप को, भाइयों को न छोड़ो। इस्लाम कहता है जिसने आपस में रिश्ते जोड़े वो हम में से है, जिसने तोड़े वो हम में से नहीं है। पीटीआई अलग, नवाज शरीफ नून लीग अलग, पीपल पार्टी अलग। लड़ाई करनी कौन बैठ करो, सही करो, बहस करनी करो, कोई इशू नहीं। इस्लाम की कोई बात अंदर नहीं आनी। जब मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझसे कहे शादी मैं इंजीनियर कुछ सवाल तो पूछना दसोगे, मैं जगह मैं आता ही नहीं, मैं कि नहीं दसा। कोई मिस्त्री साहब शबाज साहब ने अच्छा जी इतने इन्नी को तारना नहीं कि लावा, मैं भाई मैं मिस्त्री है ही नहीं, तो मैं कि दसा तेन कि लानी है। आप साहब कहते लकड़ी कि कटनी है, तो मैं कहा जनाब मैं कोई लकड़ी वाला है नहीं कि मैं पता आप कि कटनी है। लेकिन याद रखो जो एक दूजे के काम आते हैं ना, असिया ने सू नहीं पता, तो जो इस्लाम की गल आती ना फेसबुक से तो सारी कुश्ती बन जाती है। वो तो हर बंदा मुफ्ती होता, अपनी अपनी मर्जी के मसले दस लिया, अपनी अपनी मर्जी की गल नहीं, नहीं मसला इस तरह नहीं, मैं समझता हूँ ये इस तरह। भाई मैं कौन होता समझने वाला, हम कौन होते हैं अपना। मेरा ख्याल ये है बाबा जी, मेरा ख्याल ये है ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे तैसे नहीं होना चाहिए। जो नजपाल फरमा गया तैसे होना चाहिए। हमारी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी चलेगी तो सरकार की चलेगी। यहाँ भी चलेगी वहां भी चलेगी, बोलो ना, यहाँ भी चलेगी वहां भी चलेगी। इसलिए एक ही बात आज के जुमा के बारे में दे रहा हूँ, हालात के तनाजु में दे रहा हूँ, अपने सियासी मसाइल को एक तरफ रखो, इस्लाम को मजहब को अंदर दाखिल नहीं करना। पीटीआई इमरान खान के लिए अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी का सबब होते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर हो, सबकी हिदायत अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग अल-मुबीन।